आज का सफर नया नहीं है लेकिन खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं इंडियन रेलवेज के सबसे लेटेस्ट कोच AC 3-tier इकोनॉमी से ट्रैवल करने वाला हूँ। ये कोचेस इंडियन रेलवेज ने हाल ही में लॉन्च किए हैं और अभी फिलहाल कुछ गिनी चुनी ट्रेन्स में एक या दो डिब्बे लगा के इस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और उसी में से एक ट्रेन अपनी मुंबई से सोलापुर जाने वाली सिद्धेश्वर एक्सप्रेस 18 मिनट की देरी से रात के 12:48 पे करजत पहुंच चुकी है। ये है AC 3-tier इकोनॉमी का कोच जिसको इंडियन रेलवेज ने M शॉर्ट कोड असाइन किया हुआ है। बाय द वे, दीज आर ऑल द शॉर्ट कोड्स असाइन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोचेस बाय इंडियन रेलवेज। इफ यू वांट टू रीड देम केयरफुली यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड ऑल द कोड्स। बिफोर वी गेट इन टू द कोच, इस कोच के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, इसमें 72 की जगह 83 बर्थ्स है, तो ज़्यादा अकोमोडेशन कैपेसिटी है। देन इसका जो फेयर है वो कंपेयर टू रेगुलर 3 AC कोचेस अराउंड 8-10% कम है। इंडियन रेलवेज के कहने के हिसाब से ये दुनिया का सबसे सस्ता AC ट्रेन ट्रैवल का ऑप्शन है, और इंडियन रेलवेज़ का इंटेंशन है कि धीरे धीरे करके सारे नॉन AC स्लीपर कोचेस को हटा के उसकी जगह पे ये 3 AC इकोनॉमी कोचेस ही लाए जाएंगे। अब इसके बारे में और ज़्यादा तो आप इंडियन रेलवेज़ की वेबसाइट पर या किसी न्यूज़ आर्टिकल्स में भी पढ़ सकते हो। अभी हम चलते हैं इस कोच के अंदर और देखते हैं ये अंदर से कैसा दिखता है। फर्स्ट थिंग यू सी आफ्टर एंटरिंग एनी कोच ऑफ एनी इंडियन रेलवेज ट्रेन इज़ द वॉश बेसिन, क्योंकि ये दरवाजे के सामने ही होता है। और ये वॉश बेसिन इसमें स्टील का नहीं है, जो 3 AC में नॉर्मली स्टील का होता है, इसमें सिरामिक का बना हुआ है। इसका जो टैप है वो भी हैंड्स फ्री है, आप पैर से ऑपरेट कर सकते हो। इन द टॉयलेट्स आर ऑल्सो वेरी क्लीन, सब बायो टॉयलेट्स लगे हुए हैं। हर कोच में एक टॉयलेट जो है वो व्हील चेयर एक्सेसिबल है। अभी तो ये फिलहाल बहुत क्लीन लग रहा है, लेकिन पता नहीं कितने दिन हमारे लोग इसको क्लीन रखेंगे। नेक्स्ट थिंग टू सी इज दिस डोर, ये स्लाइडिंग डोर है। पहले जो हिंजेस वाला डोर बाकी 3 AC कोचेस में आता है, इसमें स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है। और केबिन के अंदर आने के बाद जो सबसे पहली बात नोटिस होती है वो है इसका कलर स्कीम। पूरे केबिन में ऊपर नियॉन ब्लू कलर का लाइट स्ट्रिप है, और नीचे जो गैंगवे में गाइडलाइंस दिए हुए हैं वो भी फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर में है। बिसाइड्स दैट, केबिन के अंदर यहाँ पे वॉशरूम्स का ऑक्यूपेंसी इंडिकेटर दिया हुआ है, मतलब अगर कोई भी वॉशरूम अंदर से लॉक होता है तो ये लाइट जो है वो रेड हो जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें हर सीट में चार्जिंग सॉकेट है, हर सीट में मोबाइल होल्डर दिया हुआ है विच इज़ अ वेरी गुड एडिशन, हर सीट में रीडिंग लैम्प दिया हुआ है, और हर सीट में AC का वेंट दिया हुआ है, एयर कंडीशनिंग का पर्सनलाइज्ड वेंट हर एक सीट में आपको मिलता है, विच इज ब्यूटीफुल। मतलब इंडियन रेलवेज ने ऑलमोस्ट इसको एयरक्राफ्ट के लेवल पे ले जाके रख दिया है। इवन दिस लैडर्स जो ऊपर के बर्थ्स पे जाने के लिए है उसको भी पूरी तरह से रीडिजाइन किया हुआ है। सो दिस इज हाउ द कोच लुक्स फ्रॉम इनसाइड एंड दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। इतनी बात करते करते पहुंच गया सोलापुर, तो छोटी सी जर्नी यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी। बट बिफोर लिविंग, have a look at this beautifully decorated and beautifully designed Solapur railway station. आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। Wow, it feels so good to say this after such a long time. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए stay tuned, stay connected and stay happy. Keep counting kilometers.